हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिशन। आज मैं आपके लिए तिल भुगा की रेसिपी लेकर आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं तिल भुगा। तिल भुगा लड्डू बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम सफ़ेद तिल लिए हैं, 250 ग्राम मैंने मावा लिया है, 200 ग्राम मैंने पाउडर शुगर लिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसे मैंने चॉप कर लिया है। सफ़ेद तिल को हम एक पैन में डाल देंगे और उसे हम रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर। बस चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी तो आपके जो तिल हैं वो रोस्ट हो जाएंगे। अब तिल रोस्ट हो चुके हैं, उसे हम खुले बर्तन में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसमें से आधे तिल हम ग्राइंड कर लेंगे और आधे तिल हम बचा कर रखेंगे और इनको हमें दरदरा ही पीसना है, इससे ज़्यादा नहीं पीसना है। पिसे हुए तिल को भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे, जो बचे हुए हमने रखे थे रोस्टेड तक उसी में ही मिक्स कर देना है। अब हमने मावा को भी कुक कर लेना है लो फ्लेम पर। मावा अच्छे से कुक हो चुका है, अब इसे हमें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। अब मावा ठंडा हो चुका है, इसमें हम सफ़ेद तिल डालेंगे और इसी में हम पाउडर शुगर भी डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से बाइंड कर लेंगे। तिल भुगा लड्डू बनाने के लिए हमारा मिक्सचर रेडी है। अब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको करना है और इसके बाद इसको आपने ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देना है। आपकी मर्जी का ड्राई फ्रूट हो सकता है, बादाम हो सकते हैं, काजू हो सकते हैं।
अब हमारे तिलकुट का लड्डू बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।